थाना अलीगंज क्षेत्र में खैलम गांव है, वहां पे एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि एक घर में एक कमरा है, वहां पे बम रखा हुआ है। प्राप्त जानकारी पे पुलिस टीम वहां जाती है और ये सूचना सही पाई जाती है और वहां से बरामद होता है। जिस व्यक्ति का घर था उसका नाम खान सिंह था, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाता है, परंतु जब उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जाती है तो ये तथ्य सामने आता है कि उसके द्वारा, जो आरोपी था उसके द्वारा वहाँ बम नहीं रखा गया था, ये बम किसी और ने रखा था। और इस घटना का पुलिस टीम ने अनावरण किया, दो लोगों के नाम सामने आए, एक का नाम बबलू और एक का नाम जयवीर जो उसी गाँव के रहने वाले थे, उनको गिरफ्तार किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तब ये तथ्य सामने आए कि जो खान सिंह था उससे पूर्व में मंदिर के पास खड़े, क्योंकि मंदिर के पास ये घर था, वहाँ पे खड़े और घूमने फिरने को लेके कई बार कहा सुनी हो चुकी थी, उसी से क्षुब्ध होकर उसने इस तरह की प्लानिंग की थी कि उसके कमरे में इसको रख दिया था। और ये था कि या तो ये फंस जाए इसमें, अन्यथा अगर एक्सीडेंटली अगर फटता है या किसी कारणवश फटता है तो उसमें उसको नुकसान पहुँचे। इसमें एक और अपराधी का नाम सामने आया जिसका नाम हलीम है, जो अभी फरार है। ये बात सामने आ रही है कि जो इसका रॉ मटेरियल है वो इसके द्वारा सप्लाई किया जाता था। जहाँ तक उस सुतली बम को बनाने का बात है, वो गांव में ही गन्ने के खेतों में ये बनाए थे इन्होंने, और कुल 16 ऐसे बम जो है बरामद किए गए हैं। जल्दी हलीम की गिरफ्तारी की जाएगी और इस चेन को कम्प्लीट किया जाएगा।